फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था हवा महल, और हवा महल से चल के हम सीधे आ गए हैं जल महल की तरफ, जल महल को देखने। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं। तो दोस्तों यार, ये है जल महल का नज़ारा। यहाँ पे चार मंजिला शायद पानी में डूबा हुआ है और सिर्फ एक मंजिल ही वो ऊपर दिखाई दे रहा है हमको। तो अंदर जाना मतलब अलाउ नहीं है। वहाँ पे पहले बोटिंग के द्वारा अंदर जाया करते थे, लेकिन अब अंदर जाना गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। कुछ इस प्रकार है यहाँ पे। मतलब जल महल को देखने के लिए आप सिर्फ यहाँ इस चौपाटी से ही देख सकते हो। नहीं, ये मार्केट लगा हुआ है छोटा सा, और ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। बस सिर्फ ये जल महल है जिसको हम दूर से देख सकते हैं। यहाँ पे कोई टिकट चार्ज नहीं है और नहीं पार्किंग के कोई पैसे है। सन 1799 में आमेर के महाराजा ने इस महल का निर्माण करवाया था। तो उस साइड चल के देखते हैं फ्रेंड्स, कैसे नज़ारे नज़र आते हैं उस साइड से। यार मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की कि यहाँ पे जो गंदगी बहुत है यार। मतलब देखिए, पूरे पानी को गंदा करके रखा है, और शायद गवर्नमेंट को इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि यार इतनी अच्छी जगह को इतना गंदा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, और ये जो मछलियों को डालते हैं वो सारा वापस यहीं आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते यहीं पर ख़त्म। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बता दीजिए। और अब यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है कनक घाटी, वहाँ पे चल के देखते हैं।